नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेष राशि के मार्च 2023 के राशि फल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस राशि फल में हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए यह माह कैसा जाने वाला है, उनके धन संबंधी बातों को लेकर, उनके करियर को लेकर, साथ ही साथ भाग्य भाव को लेकर। और हम बात करेंगे यहाँ बिजनेस यानी सेवेंथ हाउस और सिक्स हाउस यानी उनके कॉम्पिटिशन्स को लेकर और उनके लाभ भाव यानी इलेवेंथ हाउस को लेकर। आइए शुरुआत करें। उससे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बात करें सूर्यदेव इस माह के अंदर मध्य माह में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वे कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रस्थान करेंगे। साथ ही साथ बुधदेव भी अपना जो है कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में नीच अवस्था के अंदर प्रस्थान करने वाले हैं। शुक्र की बात करें अपने उच्च की राशि मीन राशि से मेष राशि के अंदर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगलदेव वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में अपना परिवर्तन करने वाले हैं। महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अगर हम बात करें कारक ग्रह की मेष राशि वालों के लिए तो सूर्य, मंगल और देवगुरु बृहस्पति तीन कारक ग्रह मेन प्लैनेट माने गए हैं, शुभ ग्रह माने गए हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के स्वामी मंगलदेव की। मंगल का गोचर इस माह की शुरुआत में धन भाव से हो रहा है, यानी धन के लिहाज से बात करें गोचर अत्यंत शुभ है। राशि स्वामी का धन भाव में गोचर शुभ माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। धन संबंधी बातों के लिए शुभ समय इस माह का शुरुआत रहने वाला है। साथ के साथ बात करें मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर तो मंगल यहाँ वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में अपनी राशि से तीसरे भाव में प्रस्थान करने वाले हैं। चंद्र लग्न से चंद्र राशि से अगर हम बात करें तो मंगल का गोचर थर्ड हाउस में बहुत शुभ माना गया है। यहाँ पर आप परिश्रम अधिक रहेगा, साथ के साथ फल भी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव में पापी ग्रहों का, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्रूर ग्रहों का तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें भाव के अंदर गोचर शुभ माना गया है। तो यहाँ पर आपके मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। छोटी छोटी यात्राएं आपके जीवन के अंदर आरंभ हो सकती हैं इस माह के अंदर। बात करते हैं कार्यक्षेत्र यानी दशम भाव के स्वामी की। दशम के स्वामी बनते हैं यहाँ पर शनिदेव, क्योंकि दशम भाव में मकर राशि आती है। इस माह की शुरुआत से और इस माह के अंत तक शनि का गोचर लाभ भाव में रहने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करें मेष राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र उत्तम रहने वाला है। साथ के साथ शनि के साथ में अगर हम बात करें, क्योंकि शनि यहाँ दशम और एकादश दोनों भाव के स्वामी हैं, बुध का गोचर भी है और सूर्य भी इस माह में गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में। लाभ भाव में कोई सा भी ग्रह हो यानी एकादश भाव के अंदर सभी ग्रह शुभ फलदायी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य और शनि की युति भी एकादश भाव के अंदर बनी हुई है। कहीं ना कहीं सूर्य और शनि एक साथ अगर युति में हों और गोचर में भी हों तो यह फल बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर अगर हम बात करें शनि दशम भाव के स्वामी हैं, सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पद जो है पद प्राप्ति की ओर संकेत अवश्य देता है, लेकिन यहाँ पिता के स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। बुध की बात करें, बुध छठे भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो तीसरे और छठे इन दोनों भावों से लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी कॉम्पिटिशन में सक्सेस मिल सकती है। अगर हम बात करें थर्ड हाउस, अगर तो यहाँ पर करेज आपको प्राप्त होने वाला है। माता दुर्गा की पूजा यहाँ पर मेष राशि वालों को अत्यंत शुभ फलदायी रहने वाली है। अगर दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा बुध से रिलेटेड चल रही है तो आपको माता दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बात करते हैं भाग्य भाव को लेकर यानी नवम भाव को लेकर, तो नवम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि स्वराशि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। नवमेश का द्वादश भाव में गोचर यात्राएं अवश्य दिखाता है, और यात्राएं जो है आपके धर्म कर्म के कार्यों में हो सकती हैं। पिता के साथ में आप अपनी यात्राएं कर सकते हैं, अपने से बड़ों के सहयोग भी आपको इन यात्राओं के अंदर प्राप्त होने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर शुक्र की, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं माह की शुरुआत में। धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में उच्च के रहना धन प्राप्ति के संकेत भी देता है, साथ के साथ यहाँ पर धन व्यय के संकेत भी देता है, क्योंकि द्वादश भाव व्यय संबंधी बातों के लिए देखा जाता है। बात करें हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लग्न में राहु का गोचर है, मंगलदेव यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। राहु की स्थिति, क्योंकि राहु मंगल की राशि में है तो मंगल के अंदर कहीं ना कहीं राहु के गुण भी अवश्य देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर पारिवारिक स्थिति को लेकर। चंद्र की बात करें, चंद्र यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, उसके जन्म के चंद्रमा से ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है, तो पारिवारिक समस्याएं उभर कर आ सकती हैं जो भी पुरानी दबी हुई हैं।
सप्तम भाव की बात करते हैं यानी लाइफ पार्टनर को लेकर बात करते हैं। शुक्र द्वादश भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। शुभ समय अपने आपके पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से यहाँ आपको सहयोग प्राप्त होने के पूरे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुक्र जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि के अंदर इसी माह के अंदर प्रस्थान करने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप को लेकर, बिजनेस को लेकर भी यहाँ पर अच्छे संकेत इसी माह में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि द्वादश भाव उच्च का भाव है, आय भी होगी और व्यय भी देखने को मिलेगा। उसके बाद शुक्र जो है मेष राशि में राहु के साथ में गोचर कर सकते हैं, तो यहाँ पर शुक्र और राहु का कनेक्शन आपको अचानक धन लाभ, धन प्राप्ति के संकेत भी देता है। साथ ही साथ लाइफ पार्टनर को लेकर अगर मैं बात करूँ, यहाँ शुक्र और राहु का संबंध थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर पैदा करता है, इसलिए सावधान रहें। बात करते हैं अब हम यहाँ पर आपके फिफ्थ हाउस को लेकर, यानी सूर्य आपके फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं, पद प्राप्ति, संतान संबंधी, तो यहाँ सूर्यदेव एकादश भाव में लाभ भाव के स्वामी के साथ में गोचर कर रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए पद प्राप्ति के संकेत भी देता है। ओवरऑल हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी अपने से छठे के अंदर गोचर कर रहे हैं। उसके बाद द्वादश भाव में भी नीच के होकर गोचर करना शुरू करेंगे। बुध की हम बात करें, यहाँ पर मेष राशि में के मेष राशि के अंदर राहु का गोचर भी हो रहा है। यहाँ पर मंगल देव सेकंड हाउस में बैठकर अष्टम को देख रहे हैं, तो हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्या रह सकती है। कार्यक्षेत्र अच्छा रहने वाला है, बिजनेस में भी लाभ प्राप्ति के संकेत हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर यात्राएं भी आपको आपके परिवार के साथ में, अपने पिता के साथ में, अपने से बड़ों के साथ में देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।